चल रहा है जहाँ पे आपको किसी और की जरूरत नहीं, प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं, हम एज आर्टिस्ट वी कैन कोलैबोरेट, और हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया है जिसके जरिए हम अपना काम निकाल सकते हैं. वी डू नॉट नीड यू नो टू वेट फॉर दी अपॉर्चुनिटी, दी अपॉर्चुनिटी इज हियर. और ये जो ज़माना चल रहा है हमारे हित में, जहाँ पे हमें बहुत सारी सहूलियत मिलती है ताकि हम अपना फन, अपना कला हमारे ऑडियंस के सामने डायरेक्टली पेश करें. अदरवाइज और किसी को बूथ हुआ चैनल हो, अब वो चैनल की जरूरत नहीं है. ऑफकोर्स वी नीड दैट टू, एंड टिल दे नोटिस अस वी विल कीप डूइंग कोलैबोरेशंस, बिकॉज द बिगर इट गेट्स द बेटर. हु डजंट वांट टू यू नो बी लॉन्च्ड इन अ नाइस वे, बट यू नो जब तक वो नहीं मिलता तब तक के लिए एटलीस्ट यू नो आई एम गोना कीप, मैं अपने आप को तराशना चाहूँगा एज एन एक्टर, एज यू नो एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डांसर. And I feel very privileged कि मेरे साथ यू नो विशाल जो है, उनकी आवाज़ की जो उनका जो सुर है, उनका जो जो पॉपुलैरिटी है, और जिस तरीके से वो एक सेंसेशन बन गए हैं. सो व्हेन ही अप्रोच मी टू मैडम से व्हाट यू कैन डू दिस, आई वाज लाइक वाओ, यू नो फर्स्टली नाम और काम से भी बड़ा मोर इम्पोर्टेंटली जो गाना मैंने सुना वो दिल को मेरे बहुत छू गया. एंड वी हर्ड दिस अ वाइल अगो, और फिर वो बिजी हो गया, फिर मैं यू नो अब्रॉड चला गया फॉर माई इंटरनेशनल टूर. जब वापस आया तो फिर सौरभ ने बोला था डायरेक्टर लाइक करे सर, आई सेड हाँ, विशाल सर रेडी है, आई सेड हाँ. तो फिर देर किस बात की, तो फिर वी वर लुकिंग फॉर द गर्ल, वी कुडंट फाइंड द गर्ल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड फिर हमें हमारी हीरोइन मिली टेरेसा जो किरदार को निभा सकती थी. सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक सेरेंडिपिटी है कि कभी कभी हर चीज़ का एक वक्त होता है, जब तारे मिल जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा बन जाता है. और मैंने सौरभ भी कहा था कि पता नहीं ये जो कॉन्सेप्ट था किस तरीके से उसको निभाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें थी यू नो जो हमें बहुत ही इंटरनेशनल वे में प्रेजेंट करना था. लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ हम सब के साथ, दैट डे वॉज मैजिकल. जो भी यू नो अड़चन हो रही थी वो अपने आप यू नो इट वॉज गेटिंग सॉल्व, एंड कहीं ना कहीं वो हमारे हित में था कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो नहीं होना था, जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ, वो भी हमारे हित में था. सो आई थिंक देयर इज अ पावर ऑफ यू नो द यूनिवर्स, और व्हेन जब सरस्वती हम पर कुर्बान है तो आई थिंक एवरीथिंग एल्स जस्ट वर्क्स इन आवर फेवर. सो आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी ऑन द टीम. कौशिक भाई जो है ना, ये हमारे लिरिसिस्ट हैं, और इन्हें जो इन्होंने जो अल्फाज लिखे हैं, स्पेशली जो यू नो जो वर्स आता है, आई टेल यू बाय गॉड मैं बहुत हिल गया था वो एक लाइन पे, वो मैं कुर्बान हो गया बस. इट वॉज सो ब्यूटिफुल, एंड मैं चाहूँगा कि यू नो कहीं ना कहीं विशाल खान इस मौके पर चौका मार के, बिकॉज आई टेल यू बहुत सारे सिंगर्स हैं, एंड ऑफकोर्स ड्यू रिस्पेक्ट, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज, जब उन्होंने मुझे स्टूडियो में गाना सुनाया लाइव, कुछ नहीं कहा, सिर्फ आवाज़ आई, इवन द म्यूजिक हमने कुछ ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं किया है, एंड दैट्स द पावर ऑफ हिज वॉइस. यू डोंट नीड एनीथिंग, ही इज एन ऑर्केस्ट्रा बाय हिमसेल्फ, हिज वॉइस इज एन ऑर्केस्ट्रा बाय हिमसेल्फ. सो व्हेन यू हियर हिज वॉइस, और जब वो लाइव गाते हैं तो वो कशिश जो है, वो जो दर्द है, इज जस्ट इनसेन. मैंने जितना था बोलती है अब नहीं, मेरे को वर्बल डायरिया है, सो मानता हूँ आई स्पीक अ लॉट, सो आई विल लेट द डायस नाउ. तो आप सब लोग का स्वागत है, और माफी की आप लोग काफी देर देखिए, ये मौसमी गाना नहीं है. Click Records जो है एक इंडिपेंडेंट लेवल है, सो आई थिंक वी रियली जेन्युइनली नीड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपका सहयोग रहेगा तो आई थिंक वी विल रीच आउट टू पीपल. यही है कि काम बढ़िया हुआ है, बहुत मेहनत से किया है और बहुत प्यार से किया है, तो कहीं पर कमी नहीं हुई है. मयूर भाई ने जो सपोर्ट दिया है एज अ प्रोड्यूसर इज फैंटास्टिक, एंड यू नो तो आई वी जस्ट वॉन्ट कि हम जो कलाकार हैं, हम किसके लिए काम करते हैं, आपके लिए. हम चाहते हैं कि अपना काम आप तक पहुंचाए, आप हमें पसंद करें, शायद हमें आपको क्रिटिसिज्म भी करें वो भी चलेगा, बिकॉज वी विल बी एबल टू इम्प्रूव, बिकॉज आर्टिस्ट नीड टू कॉन्स्टेंटली इन द गेम. सो जस्ट लेट दिस गो आउट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, प्लीज शो अस सम लव ऑन क्लिक रिकॉर्ड्स, एंड या लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू म्यूजिक.